लोरेटा ने बेन ग्लेनरॉय की हत्या करने की बात कबूल की, लेकिन उसके दोस्त माबेल, ओलिवर और चार्ल्स जानते थे कि वो अपने बेटे डिकी की रक्षा के लिए छिप रही थी। माबेल के 30वें जन्मदिन पर वे सबूत खोजने के लिए मामले पर काम करने की प्लानिंग बनाते हैं। माबेल, चार्ल्स और ओलिवर बेन की मौत के बारे में डिकी से बात करने के लिए मिलते हैं। डिकी ने बताया उसकी माँ लोरेटा ने हत्या की बात स्वीकार की। माबेल, चार्ल्स और ओलिवर बेन के लिए डिकी की भावनाओं को जानते हैं और मानते हैं कि वह इसमें शामिल नहीं था। वे एक कपड़े की दुकान पर जाते हैं जहां बेन 5 महिलाओं से मिलता था, लेकिन डिकी नशे में धुत हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जासूस किसी भी सुराग का पता लगाने के लिए अभिनेताओं और कर्मचारियों के रिकॉर्ड किए गए बयानों को सुनते हैं। बेन शो शुरू होने से एक दिन पहले दुकान पर जाता है जहां वह वहां काम करने वाली बुजुर्ग महिलाओं के साथ समय बिताता है। वह अपने बारे में बुरा महसूस करता है और सुधार करना चाहता है। अगले दिन डिकी ने उसके साथ काम करना छोड़ दिया और लोरेटा के साथ उसका झगड़ा हो गया। एक बहस के दौरान चार्ल्स ने उसके चेहरे पर हमला किया जिससे बेन को अपने बारे में बुरा महसूस हुआ। सच्चे हत्यारे को खोजने के लिए हॉवर्ड ने एक फटे हुए कागज को टुकड़ों में जोड़ा। ओलिवर अखबार से 2 शब्द पढ़ता है और समझता है कि यह नाटक मैक्सिम के बारे में है जिसने ओलिवर के डेथ रेटलर नाम के नाटक के बारे में खराब लिखा था। उन्हें एहसास हुआ कि किसी ने क्रिटिसिज्म देखी होगी और प्रोडक्शन को बर्बाद करने से रोकने के लिए बेन ग्लेनरॉय की हत्या करने का फैसला किया होगा। As it was murders within the building, में डोना मैक्सिम ने नाटक की क्रिटिसिज्म के बारे में बात करती है और हो सकता है कि उसने रुकावट डाला हो। माबेल को पता चलता है कि बेन ग्लेनरॉय डाइट पर है और डोना के कमरे में खाने के लिए कुकीज है। वह बेन को जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन माबेल को ये साबित करना होगा कि वह खूनी है। माबेल, ओलिवर और चार्ल्स अदालत में जाते हैं और बताते हैं कि लोरेटा जल्लाद नहीं है। वे डोना को भीड़ के बीच बैठे हुए देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि कानून प्रवर्तन उसका पीछा नहीं करेगा। लोरेटा एक कठिन स्थिति में है क्योंकि वह आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। सीजन के खत्म होते ही पता चलेगा कि क्या डोना अपने गलत काम के लिए भुगतान करती है या कानून से बचने के लिए अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करती है। The end. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.